हेलो दोस्तों वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल तो आज हम शुरू करेंगे स्टेटिस्टिक्स का प्रैक्टिस सेट 11.2 इसके पहले के वीडियोस में हमने प्रैक्टिस सेट 11.1 ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है एंड प्रैक्टिस सेट 11.2 शुरू करने के पहले हम रिवाइज करेंगे कि हमने स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड और में में क्या सीखा था तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे वही कॉन्सेप्ट यूज करके आगे बढ़ रहे हैं और थोड़े एडवांस नए कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो हमने स्टैंडर्ड सिक्स में पहली बार बार ग्राफ बनाना सीखा था याद है ग्राफ क्यों बोलते थे उसको बिकॉज ये दिख रहा है यहाँ पे ये जो ऐसे खड़े हैं ना इसको बार्स बोलते हैं चॉकलेट बार का शेप क्या होता है ऐसे ही होता है ना तो इसको बार बोलते हैं ये एक ग्राफ है ना इसलिए इसको बोलते हैं बार ग्राफ ठीक है तो बार ग्राफ हम कैसे बनाते थे कुछ डेटा दिया होता था कुछ नंबर्स दिए होते थे हम स्केल लेते थे अकॉर्डिंगली ऑन वाई एक्सिस याद है ना वाई एक्सिस होता था एक्स एक्सिस होता था दोनों ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करते थे जीरो पे और स्केल के अकॉर्डिंग देखो मोग्रा सेवेंटी पे है तो हम काउंट करके सेवेंटी तक ले जाते थे और ये सेवेंटी का एक बार बना देते थे ठीक है वैसे ही हिबिस्कस और का भी बना देंगे तो ये एक बारग्राफ बन गया बारोग्राफ क्यों बनाते थे बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है बारोग्राफ देख के ईजिली समझ में आ जाता है कि कौन सबसे ज्यादा है नेक्स्ट कौन है ठीक है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डेटा होता ना तो बारग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते तो वो डेटा रीड करना काफी सिंपल हो जाता है ओके तो ये हमने सीखा था स्टैंडर्ड में क्या सीखा था कि कुछ डेटा दिया होता था वो डेटा को हम बार ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे वहां पे जो प्रैक्टिस सेट था उसमें टेबल दिया गया था और काफी क्वेश्चन में स्केल भी ऑलरेडी दिया हुआ होता था ठीक है तो वो स्केल यूज करके हम ग्राफ बनाते थे कैसे ऐसे तो ये डेटा यूज करके हमने स्केल जो उसने क्वेश्चन में दिया था वो यूज किया और ग्राफ बना दिया ठीक है वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ एनिमल्स और एक्स एक्सिस पे कौन से एनिमल्स है वो रिप्रेजेंट करके स्टैंडर्ड में आते आते जो लोग टेक्स्ट बुक बनाते हैं उन्होंने सोचा चलो आज कुछ तूफानी करते हैं तो उन्होंने हमें नया कॉन्सेप्ट दिया ज्वाइंट बारग्राफ ज्वाइंट बारग्राफ का मतलब क्या कि आपको दो डेटा साथ में देते हैं जैसे यहां पे देखो फिफ्थ स्टैंडर्ड का डेटा है बॉयज फिफ्टी टू गर्ल्स सेवन तो ये डेटा हम जैसे सिक्स में प्लॉट करते थे वैसे ही करेंगे लेकिन दो बार एक साथ आ जाएंगे जॉइंट होंगे इसीलिए इसको बोलते हैं जॉइंट बारग्राफ तो देखो मैंने फिफ्टी टू और फिफ्टी सेवन यहाँ पे कैसे लिया है सेंटीमीटर तो दोन आएगा हर जगह दो दो बार आएंगे ज्वाइंट बारग्राफ इसको बोलते हैं एट में आते आते टेक्स्ट बुक वालों को कुछ ज्यादा ही तूफानी करनी थी इसलिए उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया कौन सा नया कॉन्सेप्ट सब डिवाइडेड बार ग्राफ या सब डिवाइडेड बार डायग्राम इसमें क्या करते हैं बार ग्राफ में कैसे एक के बाजू में दूसरा बार बनाते थे इसमें एक के बाजू में नहीं एक ही बार बनाएंगे और उसमें दो इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है जैसे उसमें भी दो करते थे लेकिन एक के बाजू में एक रिप्रेजेंट कर देते थे इसमें एक बार में दो करेंगे ठीक है इसलिए क्या हुआ वो एक पूरे बार को डिवाइड कर दिया ना दो अलग अलग पार्ट में अगर दो इंफॉर्मेशन करी इसलिए तीन होती तो तीन पार्ट में डिवाइड करते तो वो डिवाइड हुआ तो जो छोटे छोटे पार्ट है उसके सब डिविजन है वो कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं ठीक है इसलिए उसको बोलते हैं सब डिवाइडेड बार ग्राफ बिकॉज वो पूरा बार डिवाइडेड होता है ना अलग अलग इंफॉर्मेशन में तो इस प्रैक्टिस सेट में हम सीखेंगे कि सब डिवाइडेड बार ग्राफ कैसे बनाते हैं बहुत ही ज्यादा सिंपल है बहुत मजा आने वाला है प्रैक्टिस सेट लेवन पॉइंट टू में हम सेकेंड क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है वो मैं इसके बाद सिखाऊंगा आपको पहले हम देख लेते हैं कि सब डिवाइडेड बारग्राफ बनाते कैसे हैं

एक्स एक्सेस यहाँ पे बना दिया ऐसे वाई एक्सेस यहाँ पे बना दिया ठीक है अब ये वाला जो डेटा है आपको सब डिवाइडेड बारोग्राफ में बनाना है अब मैंने आपको बताया था कि सब डिवाइडेड बारोग्राफ में एक बड़ा बार आता है और उसमें हम दोनों बॉयज एंड गर्ल्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो जो एक बड़ा बार होगा ना उसमें बॉयज एंड गर्ल्स का टोटल होगा तो ही वो हम लोग आगे जाके डिवाइड करके दोनों को दे पाएंगे ना तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे आप लोग यहाँ पे एक नया रो ऐड करेंगे टोटल का और ये टोटल में ये दोनों का टोटल यहाँ पे लिख देंगे ये दोनों का यहां पे ऐसे चारों का लिख देंगे आप लोग आपके ग्राफ बुक में राइट साइड में एक लाइंड पेज दिया होता है वहां पे ये सब सॉल्व करेंगे ठीक है मेरे पास एक ही पेज है इसलिए मैं यहीं पे कर रहा हूं आप लोग ये वाले पेज पे ग्राफ पेज पे सिर्फ ग्राफ बनाएंगे और राइट साइड पे जो पेज दिया है उस पर यह सारा कैलकुलेशन करेंगे तो मैंने यहाँ पे थर्टी फोर प्लस टोटल निकाल लिया ट्वेंटी सिक्स प्लस फोर्टीन फोर्टी ट्वेंटी वन प्लस फोर्टीन थर्टी फाइव ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फोर्टी फाइव ठीक है दोनों जो भी डेटा दिया है उसका टोटल निकाल लिया अब स्केल देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑन वाई एक्सेस वन सेंटीमीटर इक्वल टू टेन स्टूडेंट्स तो मैंने वही स्केल यहाँ पे लिख दिया ऑन वाई एक्सिसन सेंटीमीटर इक्वल टू टेन स्टूडेंट्स तो अब वाई एक्सेस पे वन सेंटीमीटर इक्वल टू टेन प्लॉट करो देखो इसमें हाइस्ट नंबर कौन सा है इसमें हाएस्ट नंबर है फिफ्टी वन तो मुझे कितने तक जाने की जरूरत है मैं यहाँ पे जब प्लॉट करूंगा तो मैंने टेन ऑलरेडी लिखा हुआ है फिर तो टेन के बाद आएगा ट्वेंटी फिर आएगा थर्टी फोर्टी फिर फिफ्टी सिक्सटी देखो मैं सिक्सटी तक जाऊंगा तो भी मेरा काम हो जाएगा ना हाईएस्ट बार जो आने वाला है वो फिफ्टी वन का आने वाला है तो भी चलो मैं सेवेंटी तक कर देता हूं उसको ठीक है ये हमने सेवनटी तक कर दिया अब आपको क्या करना है अभी आप सिर्फ टोटल देखो सबसे पहला है फिफ्टी वन तो हम लोग फिफ्टी वन प्लॉट करते हैं बार ग्राफ पे देखो यहां पर मुझे दिख रहा है कि ये फिफ्टी है फिफ्टी के एक ऊपर देखो ये दस लाइन है ना यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो फिफ्टी के एक बाद क्या आएगा फिफ्टी वन तो वहां पे फिफ्टी वन पे एक लाइन बना दो ओके अब ये जो बार है इसको नीचे तक ले जाओ अब ये किसका डाटा प्लॉट किया हमने ये हमने प्लॉट किया फिफ्थ स्टैंडर्ड का ठीक है तो ये फिफ्थ का बार बना दिया अब ये टोटल फिफ्टी वन है उसमें से आप बॉयज का डेटा ये जो बॉयज का डेटा है ना थर्टी फोर वो इसके अंदर ही प्लॉट करना है अब थर्टी फोर आएगा थर्टी फोर आएगा देखो थर्टी इधर है थर्टी के बाद फोर मतलब ये जो सॉलिड ग्रीन लाइन है उसके एक नीचे तो वहां पे एक लाइन बना दो तो थर्टी फोर पे आ गया अब बॉयज और गर्ल्स को इसमें अलग अलग शेड देना है तो मैं क्या कर रहा हूं मैं बॉयज को ऐसा वाला एक शेड दे रहा हूं तो मैंने बॉयज वाला पार्ट शेड कर दिया थर्टी फोर तक तो ये जो बचा है पार्ट वो क्या है वो है गर्ल्स तो हम लोग यहाँ पे स्केल में क्या लिखेंगे स्केल में हम लोग दो बॉक्स बना देंगे जो बॉक्स में शेडिंग वाला है वो हो जाएगा बॉयज देखो यहाँ पे बॉयज और दूसरा क्या है गर्ल्स तो जो ऐसे ही है खाली उसमें लिख देंगे हम गर्ल्स समझ में आया अब नेक्स्ट वाले का क्या है देखो नेक्स्ट वाले का टोटल है फोर्टी तो हम फोर्टी पे कैसे जाएंगे देखो यहाँ पे बनाना है टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी मतलब इधर एक लाइन आएगा फिर बार बना दो उसका ठीक है अब फोर्टी में बॉयज कितना है देखो फोर्टी में बॉयज है ट्वेंटी सिक्स तो नीचे ट्वेंटी सिक्स प्लॉट कर दो ट्वेंटी सिक्स कहां पे आएगा देखो यहाँ पे ट्वेंटी है ये बीच में ट्वेंटी फाइव है उसके एक ऊपर आ जाएगा ट्वेंटी सिक्स तो हम लोग यहाँ पे 26 प्लॉट कर देते हैं ये 26 हो गया अब ये 26 क्या है ये तो किसका सिक्स है देखो यहाँ स्टैंडर्ड यह का तो एक्स एक्सिस यहाँ पे मैं लिख दूंगा six. अब बताओ ये जो खाली डेटा है यहाँ पे खाली पार्ट है वो किसका है वो है गर्ल्स का तो मुझे गर्ल्स वाला पार्ट प्लॉट करना पड़ेगा क्या नहीं यहाँ पे भी हमने सेवनटीन प्लॉट नहीं किया था ना तो हम क्या करते हैं इसमें हम टोटल प्लॉट कर देते हैं फिर बॉयज प्लॉट करते हैं तो जो बचा है वो गर्ल्स आ जाएगा इसमें भी हमने फोर्टी प्लॉट किया फिर ट्वेंटी सिक्स किया तो बचा है वो फोर्टीन आ गया देखो फोर्टी ट्वेंटी सिक्स ऐसे किया था ना ये पूरा फोर्टी का बार बनाया देखो यहाँ पे ये यह हाइट है फिर बॉयज का देखो यहाँ पे ट्वेंटी सिक्स तक बनाया तो ये बॉयज बन गया तो बचा वो क्या है वो है गर्ल्स तो ऐसे ही हम लोग सेवेंथ और एट का भी बना देंगे तो ये हमने बना दिया सब डिवाइडेड बार डायग्राम देखो हमने क्या किया फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट यहां पे प्लॉट कर दिया सबसे पहले हमने जो टोटल निकाल लिया दोनों डेटा का और टोटल बड़े बड़े बार्स बना दिए ठीक है फिर उसमें से जो बॉयज का डेटा था वो इसमें अलग से प्लॉट कर दिया हर एक में पहले वाले में थर्टी फोर फिर ट्वेंटी सिक्स देखो थर्टी फोर ट्वेंटी सिक्स फिर ट्वेंटी वन एंड फिर ट्वेंटी फाइव फिर उसको शेड कर दिया और उसको नाम दे दिया बॉयज जो खाली वाला पार्ट है वो गर्ल्स हो गया इसी को बोलते हैं सब डिवाइडेड बार ग्राफ आया समझ में तो देखो बच्चों वाई एक्सिस पे क्या दिया है वाई एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लॉट किया ना ये तो हम लोग वाई एक्सिस पे लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और एक्स एक्सिस पे क्या है एक्स एक्सिस पे हमने प्लॉट किया ये स्टैंडर्ड है ना सब तो उसके नीचे लिख देंगे स्टैंडर्ड ये लिखना जरूरी है ठीक है एकदम अच्छे से समझ में आया क्या किया आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आ गया समझ में अब हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन देखो एक ग्राफ दिया हुआ है एक्स एक्सेस वाई एक्सेस कुछ डेटा दिया है फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है स्टेट द टाइप ऑफ द ग्राफ अब मुझे बताओ एक बार में दो अलग अलग डेटा दिया है मतलब एक बार को डिवाइड किया है अगर बार को डिवाइड किया है तो कौन सा ग्राफ हो गया वो सब डिवाइडेड बार ग्राफ तो यहां पे इसका आंसर लिख दो सब डिवाइडेड बार ग्राफ ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हाउ मच इज द सेविंग्स ऑफ वैशाली इन द मंथ ऑफ अप्रैल अब देखो ये जो वाई एक्सिस है इस पर क्या प्लॉट किया है सेविंग्स इन रूपीज ठीक है तो इस पे से दिया हुआ है और फिर एक्स एक्सिस पे जो विमेन है अब उसने किसका पूछा है वैशाली तो देखो वैशाली का यहाँ पे हीराबाद ओके पूछा है सेविंग्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल इसमें जो डार्क ब्लू है देखो ये है सेविंग्स इन अप्रैल जो वाइट है वो है सेविंग्स इन मार्च तो डार्क ब्लू देखो कितने पे जा रहा है यहाँ पे ये यह जा रहा है सिक्स हंड्रेड पे सिक्स हंड्रेड रुपीज तो मैं क्या बोल सकता हूँ वैशाली का सेविंग्स कितना है रुपीज सिक्स हंड्रेड ठीक है फिर पूछा है हाउ मच इज द टोटल ऑफ सेविंग्स ऑफ सरोज इन द मंथ्स मार्च एंड अप्रैल तो सरोज को ढूंढो पहले ये रहा सरोज का टोटल पूछा है मार्च एंड अप्रैल का देखो white वाला मार्च का है ब्लू वाला अप्रैल का है तो ये दोनों का टोटल ये पूरा आ रहा है वो कहां पे जा रहा है देखो वो मिल रहा है एट हंड्रेड पे सरोज का तो मैं लिख सकता हूं सरोज का टोटल सेविंग्स मार्च एंड अप्रैल का है एट हंड्रेड रुपीज फिर पूछा है हाउ मच मोर इज द टोटल सेविंग्स ऑफ सविता देन द टोटल सेविंग्स ऑफ मेघा अब सविता कहाँ पे देखो सविता ये रही उसका टोटल सेविंग्स यहाँ पे है थाउजेंड फिर मेघा का कितना है देखो ये रही मेघा मेघा का सेविंग्स यहाँ पे मिल रहा है फोर हंड्रेड और सिक्स हंड्रेड के बीच में तो कितना आएगा फाइव हंड्रेड ठीक है तो सविता का है थाउजेंड और मेघा का है फाइव हंड्रेड तो सविता का कितना ज्यादा हुआ सविता का फाइव हंड्रेड रुपीज ज्यादा हुआ मेघा से है ना सिंपल है अब नेक्स्ट क्या पूछा है हुज सेविंग्स सेविंग्स इन इन द द मंथ ऑफ अप्रैल 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 इज लीस्ट मतलब ब्लू ब्लू वाला बार देखो कलर अब सबसे छोटा ब्लू बार किसका है व्हाइट वाला देखो ही मत सबसे छोटा ब्लू बार किसका है मेघा का है ना देखो यहां पे तो मैं बोल सकता हूं मेघा सेविंग्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज द लीस्ट तो यहां पे लिख दूंगा मेघा आया समझ में सिंपल था ना एकदम थर्ड क्वेश्चन में दिया है इन द फॉलोइंग टेबल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन द ईयर 2016 एंड 2017 इन फोर टाउन्स कर्जत वडगांव शिवापुर खंडाला और दो साल है दो और दो उसमें कितने ट्रीज प्लांट किए वो दिया है अलग से शो द डेटा विद द हेल्प ऑफ सब डिवाइडेड बार ग्राफ दो अलग अलग डेटा है ना 2016 का एंड 2017 का एक बार को सब डिवाइड करना है ये दो डेटा के लिए ठीक है तो पहले क्या करेंगे पहले स्केल लिखेंगे तो यहाँ पे सारे जो नंबर्स हैं वो फिफ्टी या हंड्रेड के मल्टीपल है तो मैं वन सेंटीमीटर इक्वल टू हंड्रेड ट्रीज ले रहा हूं ठीक है टू कीप इट सिंपल तो वाई एक्सिस पे मैंने क्या प्लॉट किया वाई एक्सिस पे मैंने प्लॉट किया नंबर ऑफ ट्रीज और इस पर क्या आ जाएगा वन सेंटीमीटर इक्वल टू हंड्रेड आया ना तो ये आ जाएगा हंड्रेड फिर टू हंड्रेड ऐसे प्लॉट कर दो ऐसे आ जाएगा अब पहले तो हमें पता है कि हमें प्लॉट करना है सब डिवाइडेड बार ग्राफ तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे अलग से एक टोटल कैलकुलेट कर देंगे टोटल किसका किसका ये दोनों का यहाँ पे ये दोनों का यहाँ पे इसके पहले के क्वेश्चन में किया था ना वैसे ही फटाफट से टोटल निकालो तो ये आ गया टोटल तो अब मुझे सबका टोटल मिल गया मुझे क्या करना है ये सबका एक बार बना देना है थ्री फिफ्टी फाइव फिफ्टी फोर फिफ्टी एंड टू फिफ्टी का तो देखो यहाँ पे मैंने करजत 350 प्लॉट कर दिया करजत वडगांव 550, फिर शिवापुर 450 एंड फिर खंडाला 250। देखो खंडाला यहाँ पे 250। तो ये मैंने टोटल प्लॉट किया अब मैं इसमें से 2016 पहले प्लॉट कर रहा हूँ देखो करजत में 2016 में 150 था तो यहाँ पे जहाँ 150 मिल रहा है ना वहाँ पे एक लाइन बना दो ओके तो 150 पे एक लाइन बना दिया ओके अब जो उसके नीचे का पार्ट है यहां से यहां तक वन है ना उसको शेड कर दो वो क्या हो जाएगा अपना टू का डेटा तो उसको शेड कर दो शेड करके आ जाएगा ठीक है तो अब मैं शेडेड पार्ट जो है वो 2016 रख रहा हूँ तो ये जो बाकी जो बचा है ये क्या बचेगा ये 2017 हो जाएगा 200 क्योंकि ये टोटल 350 है ठीक है उसमें से ये जो शेडेड पार्ट है वो 150 है तो जो बाकी बचा वो 200 होगा तो वो आ जाएगा 2017 तो ऊपर स्केल में क्या लिखेंगे जो ब्लू शेडेड है वो 2016 और जो खाली है वो 2017 तो मैं यहां पे लिख दूंगा टू और 17 ऐसे आ जाएगा वैसे ही वडगांव का 250 प्लॉट कर दो यहां पे और शिवापुर का 200 और खंडाला का 100 तो कैसे आ जाएगा ये ऐसे आ जाएगा इसका सोल्यूशन देखो मैंने हर जगह जहाँ पे भी 2016 का डेटा था वो यहाँ पे लाइन बना के प्लॉट कर दिया जो शेडेड है ब्लू वाला वो 2016 है जो खाली है वो 2017 याद रखना है बच्चों ये वाला पार्ट जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है आपको राइट साइड में करना है खाली जगह पर ग्राफ पेपर पे सॉल्व नहीं करना ग्राफ पेपर पे सिर्फ ग्राफ बनाना है आ गया समझ में तो यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है फोर्थ क्वेश्चन में दिया है डेटा ऑफ द ट्रांसपोर्ट मीनस यूज बाई स्टूडेंट्स इन 8th स्टैंडर्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन होम एंड स्कूल इज गिवेन ड्रॉ अ सब डिवाइडेड बार डायग्राम टू शो द डेटा स्केल भी दिया हुआ है मतलब इसमें दिया है कि पैठन करके एक सिटी है योला एंड शाहपुर इसमें कितने बच्चे साइकिल से जाते हैं ये अलग अलग सिटीज में कितने बच्चे बस एंड ऑटो से जाते हैं और कितने बच्चे पैदल ऑन फुट जाते हैं ये पूरा डेटा दिया हुआ है आप अच्छे से नोटिस करेंगे तो यहां पे तीन डेटा है साइकिल बस एंड ऑटो एंड ऑन फुट तो सब डिवाइडेड बार डायग्राम जब बनाएंगे तो एक टोटल बार बनेगा और उसमें से कितने डिवीजन बनेंगे तीन साइकिल बस एंड एंड ऑटो ऑन फुट सबसे पहले क्या करेंगे टोटल निकालेंगे तो जल्दी से इसका टोटल निकालो तो यहां पे टोटल क्या आ गया ये तीनों का टोटल आया फाइव थाउजेंड ये तीनों का टोटल आया थ्री थाउजेंड और ये तीनों का टोटल आया टू थाउजेंड टू फिफ्टी ठीक है अब स्केल यहां पे दिया हुआ है वन सेंटीमीटर इक्वल टू फाइव हंड्रेड स्टूडेंट्स तो ये सब यूज करके हमको सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाना है तो पहले तो मैं स्केल प्लॉट कर दूंगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाऊंगा और टोटल जो बार्स है 5000, 3000 और 2250 ये बार्स बना दूंगा तो मैंने स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू तो 500 स्टूडेंट्स लेके देखो 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 ऐसे 6000 तक प्लॉट कर दिया अब 5500 तक करेंगे तो भी चलेगा क्योंकि मैक्सिमम नंबर फाइव आने वाला है यहाँ तक ठीक है फिर पैथन का कितना है फाइव थाउजेंड तो मैंने पैथन का बार देखो फाइव थाउजेंड का बना दिया फिर येला का है थ्री थाउजेंड तो मैंने येला का थ्री थाउजेंड बना दिया फिर शाहपुर का है टू थाउजेंड टू फिफ्टी तो मैंने देखो ये दो हज़ार है एंड ये टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू थाउजेंड टू फिफ्टी इसके बीच में आएगा तो हमने टू थाउजेंड टू फिफ्टी यहाँ पर प्लॉट कर दिया शाहपुर का ठीक है अब ये जो यहाँ पर मैंने आपके रेफरेंस के लिए डाला ये लास्ट में मैं हटा दूंगा अब मुझे चाहिए साइकिल का थ्री थाउजेंड टू फिफ्टी तो अब यहाँ पर अच्छे से देखो यहाँ पे थ्री थाउजेंड है यहाँ पे थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड है थ्री थाउजेंड टू फिफ्टी उसके एग्जैक्ट बीच में आएगा तो मैं साइकिल का लाइन वहाँ पे प्लॉट कर सकता हूँ तो प्लॉट कर दो थ्री थाउजेंड टू फिफ्टी ये साइकिल आ गया अब इसके बाद वाला जो है ना वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपने साइकिल प्लॉट कर दिया इसके बाद बस एंड ऑटो सेवन फिफ्टी है तो इसके बाद सेवन फिफ्टी कैसे काउंट करेंगे आप देखो यहाँ पे थ्री थाउजेंड टू फिफ्टी खत्म हुआ तो और टू फिफ्टी बचा तो ये टू फिफ्टी हो गया तो सेवन फिफ्टी में से टू फिफ्टी हो गया और कितना चाहिए मुझे फाइव हंड्रेड तो देखो यहाँ से यहाँ तक एक फाइव हंड्रेड है ना तो मतलब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का प्लॉट करूंगा तो ये टोटल सेवन फिफ्टी हो जाएगा ना क्योंकि देखो एक पूरा डिवीजन फाइव हंड्रेड है ना स्केल में वन सेंटीमीटर इज फाइव हंड्रेड और ये उसमें और टू फिफ्टी एड हो गया तो क्या बन जाएगा वो सेवन फिफ्टी तो मैं एक और लाइन यहां पर बना दूंगा ठीक है ये हो जाएगा अपना बस एंड ऑटो तो मैंने थ्री थाउजेंड टू फिफ्टी प्लॉट कर दिया सेवन फिफ्टी प्लॉट कर दिया अब थाउजेंड तो ये जो बचा है उसके ऊपर ये वाला पार्टी तो थाउजेंड है देख लो एक बार चेक कर लो देखो यहाँ से याँ तक 500, फिर याँ से याँ तक फिर से दूसरा फाइव हंड्रेड थाउजेंड हो गया तो बन गए ना तीन पार्ट्स इसके अभी इसको अलग से लेबल कर देना है बाद में ऐसे ही बाकी दोनों के भी पार्ट्स बनाओ जल्दी से देखो योला में क्या था योला में पहला था फिफ्टीन हंड्रेड ना साइकिल तो मैंने यहाँ से फिफ्टीन हंड्रेड पे एक लाइन मार दिया ये वाला अब नेक्स्ट है बस एन ऑटो फाइव हंड्रेड तो ब, बस एन ऑटो फाइव हंड्रेड तो बहुत ईजी है क्योंकि वन सेंटीमीटर ऊपर जाऊँगा तो फाइव हंड्रेड हो जाता है तो मैंने एक और लाइन ऊपर बना दिया जो बचा थाउजेंड वो है ऑन फुट चेक कर लो ये यह यहाँ से यहाँ तक थाउजेंड आ रहा है क्या देखो यहाँ से आ तक फाइव हंड्रेड फिर यहाँ से आ तक थाउजेंड यहाँ पे देखो टू थाउजेंड है और यहाँ पे थ्री थाउजेंड है तो मतलब ये टोटल कितना हुआ थाउजेंड आ गया ना तीसरा देखो वैसे ही प्लॉट करना है साइकिल कितना है ट्वेल्व फिफ्टी शाहपुर में तो आप नीचे से लेके देखो यहाँ पे थाउजेंड है और यहाँ पे फिफ्टीन हंड्रेड है ट्वेल्व फिफ्टी उसके बीच में आएगा एग्जैक्ट तो मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दिया ठीक है फिर शाहपुर में देखो बस एंड ऑटो का कितना दिया है फाइव हंड्रेड ये ट्वेल्व फिफ्टी के ऊपर फाइव हंड्रेड कैसे जाएंगे वन सेंटीमीटर तो ये वन सेंटीमीटर ऊपर गए और यहाँ पे मार्क कर दिया फाइव हंड्रेड बाकी देखो ऑन फुट कितना है फाइव हंड्रेड तो जो बचा देखो वो फाइव हंड्रेड है ना वन सेंटीमीटर बचा है मतलब हमने जो किया वो सही किया है ठीक है तो अब ये टेबल में मुझे साइकिल बस एंड ऑटो एंड ऑन फुट का अलग अलग मार्किंग करना है ये क्वेश्चन अब मैं यहाँ से हटा रहा हूँ ठीक है अब इसमें सबसे नीचे वाला पार्ट जो है वो साइकिल का है तो मैं वो खाली रख रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा शेड करना पड़ेगा जो सेकंड पार्ट है उसको मैं रेड शेड दे के बस एन ऑटो का बना रहा हूँ और जो तीसरा पार्ट है ऑन फुट का उसको मैं ब्लू शेडिंग दे रहा हूँ तो ये क्या बन जाएगा इसके बाद देखो ये ऐसे आ जाएगा देखो साइकिल यहाँ पे पहला वाला साइकिल का आ गया फिर बस एन ऑटो वाला ये आ गया और फिर ऑन फुट वाला ये ब्लू आ गया तीनों जगह देखो मैंने सेम कर दिया है तो ये हो गया अपना सब डिवाइडेड बार ग्राफ इसमें डिफरेंट क्या था इसमें तीन पार्ट्स में डिवाइड करना था ऐसे आपको टेन पार्ट्स भी दे सकते हैं वो तो आपको टेन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा कोई डिफिकल्टी नहीं है सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाएगा और ग्राफ में आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा ठीक है लेकिन अगर उसने टेन पूछा तो मार्क्स भी उतने ज्यादा पूछेगा ना तो पूरे पेपर में एक ही क्वेश्चन आएगा फिर ठीक है तो जनरली आपको दो ही पूछेंगे क्योंकि ग्राफ बनाने में बहुत टाइम जाता है लेकिन तीन चार भी पूछ सकते हैं ओके आ गया समझ में तो बच्चों यहां पे हमारा प्रैक्टिस सेट 11.2 खत्म होता है प्रैक्टिस सेट 11.1 इसके पहले के वीडियोस में सॉल्व किया गया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ये लेक्चर अच्छे से पूरा फिर से देखना सब डिवाइडेड बार डायग्राम बहुत इजी है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है और इसके कॉन्सेप्ट आगे भी हम यूज़ करेंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें बेलाइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन आते रहें Thank you so much for watching this video.